तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग पे बात कर रहे हैं, और वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग पे हम बात करेंगे एक प्रोजेक्ट के ऊपर। तो अतीर जी, जाहिर जी, आपको याद होगा हमने कुछ दिन पहले आपको एक प्रोजेक्ट कराया था जिसमें बताया था कि कैसे हम एक फोल्डर से सारी फाइलों को एक अलग-अलग, एक फोल्डर में बहुत सारे फाइल हैं, सारे फाइलों का डेटा एक के नीचे कॉपी पेस्ट कैसे करेंगे, याद है? यस एक फोल्डर के अंदर, तो उसमें सर, प्रॉब्लम क्या थी कि फोल्डर का पाथ फिक्स था, राइट सर? चलिए मैं आपको एक डमी कोड बताता हूं, राइट? एक फोल्डर है, उसमें बहुत सारे फाइलें हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां पे देते हैं डिम एफ एन, मतलब फाइल नेम एज ए स्ट्रिंग, एफ एन इक्वल टू डी आई आर। अब यहां पे मान लीजिए एक पर्टिकुलर फोल्डर ले लेते हैं, ठीक है सर? ई ड्राइव के अंदर में 2020 को ले लेता हूं मैं डेटा को, ठीक है? स्लैश डॉट एक्सएलएस, और एक्सएलएस एम भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, तो एक्सएलएस हमने कर दिया। और यहां पे वीवी नॉर्मल, फिर हमने यहां पे लिखा डू वाइल एफ एन नॉट इक्वल टू ब्लैंक। उसके बाद हमने यहां दिया वर्क बुक्स डॉट ओपन, और यहां पे जो पाथ है, तो एक काम करता हूं मैं, यहां पे एक कॉल करता हूं डिम पी एज ए स्ट्रिंग, एक पाथ हम बना देते हैं यहां पे, ठीक है? पी इक्वल टू हाँ ये रहा। यहां पे हम इसको हटा देते हैं, पी पी के साथ इसको कंबाइन कर देते हैं, ठीक है सर? ओपन पी पी के साथ हमने कंबाइन किया एफ एन फाइल, फाइल में ओपन हुआ, हमने किया सीट वन, पहली सीट, सीट्स पहली सीट पे गए, डॉट सेलेक्ट रेंज ए वन डॉट करेंट रीजन डॉट कॉपी किया, और हम कहाँ आ गए, अपनी डेटा जहां पे डेटा पेस्ट करना है, बुक थ्री है ना हमारा, बुक थ्री के ऊपर, बुक थ्री के सीट वन के ऊपर। यहाँ पे देते हैं वर्क बुक्स, और यहाँ पे हमने दे दिया थ्री या जो भी बुक का नाम है, डमी बना रहा हूं, ठीक है ना सर? डॉट एक्टिवेट, और इसके बाद शीट्स, इसमें हमने बोला कि डेटा शीट पे जाना है, डेटा शीट डॉट सेलेक्ट, एक के नीचे एक पेस्ट करना है, तो रेंज 65,000 डॉट एंड एक्सेलेस अप डॉट ऑफसेट 0 डॉट पेस्ट स्पेशल देन एप्लीकेशन डॉट कट कॉपी मोड इक्वल टू देन वर्क बुक्स, और इसमें हमने दे दिया एफ एन क्लोज, हम यहां पे फॉल्स दे देते हैं, और यहां पे
fn इक्वल टू dir। तो ये क्या करेगा कि डेटा शीट के अंदर जितने भी एक्सेल फाइल है सारे फाइल को यहां पे डाल देगा, ठीक है। ये dir फंक्शन पहले सारा लिस्ट अपने कैप्चर कर लेगा अपने में, जी जी, और उसके बाद एक के बाद एक आएगा। ठीक है, एक बार करके देख लीजिए, मैं एक बार करके देख लेता हूं। लूप, मैंने यहां पे लूप, सर पेस्ट हो रहा है? यस सर। जय जी, समझ में आया? अब इसमें नया क्या ऐड करें? हेलो, बोलिए। और एफ एन पे हमने स्टोर कर दिया डी आई आर और पी के साथ कंबाइन कर दिया एक्सेस की फाइलें। अब अगर एफ एन के ऊपर पी और पाथ स्टोर हो गया है तो जब हम वर्कबुक डॉट ओपन कर रहे हैं तो ये पी हम क्यों मतलब ले रहे हैं? हम मतलब डॉट ओपन के बाद एक मिनट, ये जो fn पे dir फंक्शन का रिजल्ट स्टोर हो रहा है, ध्यान रखिए f1 के ऊपर पाथ स्टोर नहीं हो रहा है। dir फंक्शन का रिजल्ट स्टोर हो रहा है और dir सिर्फ फाइल नेम देती है, फाइल का पाथ नहीं देती है। ओके, ये इनपुट लेती है, पाथ जरूर है बट देती जस्ट फाइल नेम है, पाथ नहीं है। और इसको फाइल का नाम देने के लिए पाथ चाहिए इसको, राइट? हाँ, तो पाथ हमारे पास यहाँ पे है तो कर दिया। अब यही पे प्रॉब्लम है कि पाथ इज नॉट ए फिक्स। तो अगर आप प्रोग्रामर है तो इस माइक्रो को रन कर सकते हैं बट यू आर नॉट ए प्रोग्रामर, आपको प्रोग्रामिंग की नॉलेज नहीं है तो आपके पास क्या करना होगा कि एवरी टाइम आपका ये लोकेशन फिक्स रखना पड़ेगा। लेकिन जैसे हम एक्सेल में ही देख लीजिए ना, एक्सेल में ही या मेल पे ही बहुत सारी जगहों पे हमें ब्राउज बटन मिलता है ना, ये ब्राउज जी। क्या हम इस तरह की ब्राउज बटन बना सकते हैं? क्या तो इस तरह की ब्राउज बटन बनाई जा सकती? तो वही हम ब्राउज बटन बनाने जा रहे हैं आपके सामने। तो सब्जेक्ट बी आर बी टी हमने यहां पे लगाया, ठीक है। यहां पे आता है आपका एप्लीकेशन डॉट, इसको प्रॉम्प्ट डायरेक्टरी बोलते हैं। आपको याद होगा मैंने आपको बुक दिया था, हेलो, क्योंकि ये चीज भूलने वाली है। एक बार मैं बुक को आप बुक में आप बताता हूं कि बुक में चीज दी हुई है क्योंकि जब प्रैक्टिस करते समय आपको उसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। पेज नंबर 199, नहीं नहीं पेज नंबर 190 नहीं, माफ कीजिएगा, इसके इंडेक्स पे आते हैं। चैप्टर है आपका कस्टम डायलॉग एक्सेस, यूजर फॉर्म से पहले का चैप्टर है। नेस्टिंग एक्सेल फाइल, स्प्रेडशीट, बेसिक वीवीए, वीवीए प्रोग्रामिंग, कस्टम डायलॉग बॉक्सेस एंड अल्टरनेटिव, दिखा ना सर?
399 पेज है, तो इसका मतलब है 440 का देता हूँ। हाँ, वॉकिंग विथ यूजर फॉर्म आ गया, पीछे आना होगा। इस बुक के पेज इस चैप्टर नंबर में या द कस्टम डायलॉग बॉक्सेस के चैप्टर में आपको मिलेगा। मैं आपको बता देता हूं ताकि आगे चल के आपको एग्जांपल समझ में आएगा। ये रहा कस्टम डायलॉग बॉक्स, इसी के लास्ट चैप्टर में देखेंगे, ठीक है ना सर। इसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट डायरेक्टरी। ये आ गया गेट ओपन फाइल नेम मेथड, एक पर्टिकुलर फाइल नेम का चाहिए ब्राउज पे, लेकिन हमें ब्राउज फोल्डर करना है, तो इसके लिए यहां पर आएगा प्रॉम्प्ट डायरेक्टरी। ये रहा प्रॉम्प्ट डायरेक्टरी, ये रहा, दिख रहा है सर, फाइल डायलॉग बोलते हैं इसको। तो इसमें हम यहां पे लिखेंगे विथ कमांड की विथ एप्लीकेशन डॉट फाइल डायलॉग, फाइल डायलॉग। अब इसमें मुझे फाइल पिकर नहीं, मुझे इसमें फोल्डर पिकर चाहिए, फोल्डर पिकर। यहां पे देखिए बुक में दिया होगा इनिशियलाइज, इनिशियलाइज नहीं कि डिफॉल्ट पाथ क्या रहेगा, डिफॉल्ट पाथ क्या रहेगा। तो विद इनिशियलाइज में आपको यहां पे देना होगा डिफॉल्ट पाथ, ओपन होते कुछ ना कुछ पाथ होना चाहिए ना सर। तो ये हमें डिफॉल्ट पाथ में 2020 का दे दिया मैंने डेटा वाला, इसी को दे देता हूं। एनीबडी चेंज हियर, तो ए हमारा डिफॉल्ट पाथ है। ओके, उसके बाद टाइटल, कि जब ब्राउज करते हैं तो ऊपर टाइटल आता है, वो क्या होना चाहिए। तो टाइटल हमने यहां पे दे दिया सेलेक्ट, सेलेक्ट फोल्डर। यहां पे डॉट आता है, हाँ, अब यहां पे ये कर सकते हैं सिलेक्टेड आइटम, यहां पे हम देंगे रेंज A1 डॉट वैल्यू इज डॉट सिलेक्टेड आइटम यहां पे 1, ठीक है। यहां पे एंड केस हो जाए, एंड विथ हो जाएगा। तो अब इस कोड को हम अपने अपने इस बटन पे एक बटन बनाते हैं ब्राउज का, उस पे डालते हैं यहां पे। यहां पे देता हूं सेलेक्ट, राइट सर। जैसे तो क्लिक करेंगे, एक मिनट, इनवैलिड प्रोसीजर आर्गुमेंट रेंज इवन डॉट वैल्यू, एक मिनट, सिलेक्टेड आइटम सही तो है, ओ, एक बहुत बड़ी गलती आ गई सर शो का, ये ठीक है, कोड की गड़बड़ नहीं है, यहाँ पे एक बहुत ही आ गई, शो शो नहीं करेंगे तो बाहर दिखेगा ही नहीं सर, इसलिए शो देना जरूरी है। देखिए अब यहाँ पे हमने ओके कर दिया, बात आ गया सर। अब यहाँ पे जिस फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे हम, फाइल को सिलेक्ट करके हमने ओके किया, फाइल का पाथ आ गया।
हम जिस ड्राइव के जिस फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे उसकी बात आ जाएगी। अब इस पाथ को आप यहां पी के ऊपर लिंक कर दीजिए। समझे सर? अतीश जी, यस सर, समझ में आया? हाँ, तो चला। तो उसी तरह से ये तो फोल्डर का हुआ, लेकिन जी का फाइल सेव करने का ऑप्शन देते हैं, तो आप चाहते हैं कि पर्सन सेव करने के लिए फाइल नेम एंड फोल्डर खुद चूज करें, तो इसके लिए इसका इस मेथड का यूज करना पड़ेगा। ओपन करने के लिए आप चाहते हैं कि बटन ओपन बटन दूं और ओपन करने के लिए वो मेथड को डालें, तो ये रहा फाइल एप्लीकेशन डॉट गेट ओपन फाइल नेम मेथड। ठीक है, तो ये दो मेथड जो है आपको बुक है, इस बुक में से दो मेथड को आप एक खुद से करके देख लीजिएगा। ठीक है, एक्सेल, हालांकि ये प्रॉम्प्ट डायरेक्टरी से भी हो सकता है ये चीजें, क्योंकि प्रॉम्प्ट डायरेक्टरी में यहाँ पे ऑप्शन होता है, लेकिन फोल्डर पिकर एंड फाइल पिकर का, लेकिन इसके लिए भी अलग से ऑप्शन दिया गया, गेट सेव एज फाइल नेम मेथड एंड ओपन फाइल नेम मेथड, इन दोनों को देख लीजिएगा। ठीक है, तो अगर आपको कोई फाइल, जैसे कि मान लीजिए किसी पर्टिकुलर फाइल को सिलेक्ट करवाना है आपको, होता है ना सर, आपने रिपोर्ट ऑटोमेट कर रखा है, तो आपने ऑप्शन दिया है कि भाई डेटा फाइल को सिलेक्ट करो और ऑटोमेटिक डेटा को बैकएंड में कॉपी कर देगा और ऑटोमेटिकली आपका रिपोर्ट को अपडेट कर देगा, तो उसके लिए ब्राउज बटन तो चाहिए होगा ना सर? यस सर। तो इस तरह की ब्राउज बटन बना के आप डायलॉग बॉक्सेस ओपन करवा सकते हैं। ठीक है, तो इस पे आगे आप कीजिए, आगे की क्लासेस में हमारे यूजर फॉर्म बताएंगे।